नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी फूड और बेवरेजेस कंपनी, लेकिन जितनी बड़ी ये कंपनी है उतनी ही स्कैंडलस है। 1866 वो ईयर जब नेस्ले लॉन्च हुआ था, तब नेस्ले से फॉर्मुला मिल्क बनाया करता था जो कि एक तरह का सब्स्टिट्यूट था ब्रेस्ट मिल्क का। दरअसल ये अल्टरनेटिव उनके लिए था जो कि माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थी। वहां तक तो ठीक था, लेकिन 1970s में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाने के लिए नेस्ले ने एक्सपैंड करने का सोचा और एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल कैंपेन लॉन्च किया जिससे वो मदर्स को मिसलेड करने लगा। उस कैंपेन में वो ये मार्केट कर रहा था कि जो उनका लैब में बना फॉर्मुला मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क यानी माँ के दूध से ज्यादा बेहतर और हेल्दी है। यहाँ तक कि उसने यूएस के हर डॉक्टर और नर्सेस को भी खरीद लिया था जिससे वो हर मदर्स को ये फॉर्मुला मिल्क खरीदने के लिए कन्विंस करे। बल्कि नेस्ले ने अपने सेल्स एजेंट्स को भी डॉक्टर और नर्सेस की तरह ड्रेस कर दिया था और उन्हें हर घर भेजा ब्रेस्ट मिल्क के बारे में झूठी मेडिकल एडवाइसेस देने के लिए। ये जानते हुए भी कि अफ्रीका में क्लीन वाटर की कमी है, तब भी नेस्ले ने अपना प्रोडक्ट वहाँ के मदर्स को सेल किया जिससे बच्चों को काफी हेल्थ इश्यूज हुए और कई जगह मौतें भी हुई। बल्कि ये तो बस एक ही स्कैम है, इसके बाद वाले स्कैम ने तो नेस्ले को मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना दिया था।